नमस्ते दर्शकों, वेलकम बैक विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो मैं व्लॉग जहां पे खत्म किया था लास्ट दिन, मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूं। तो ये आप देख सकते हैं, हम लोग गए थे आटामाला ग्लास ब्रिज वायनाड में, और वो देखने के बाद अभी हम लोग वापस आ रहे हैं। तो बाकी का दिन अभी इस व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वहाँ आने के बाद हम लोग आ चुके हैं अभी लंच करने। तो आज लंच हम लोग का बाहर अरेंजमेंट किया गया है, ये आउटडोर रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे आज हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं लिए हैं, सिंपल सा लिए हैं, दाल फ्राई, राइस और एग करी। तो चलिए फटाफट खाते हैं और बाकी का दिन आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो हम लोग का गर्मा गर्म लंच आ चुका है और क्या वेदर है, वाह, एकदम ठंडा सा मौसम है, बारिश हो रही है और बाहर बैठ के ऐसे लंच कर रहे हैं, इसका एक अलग ही मज़ा है, एक्सपीरियंस है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा लंच लिया है हम लोग ने, वो है राइस, दाल फ्राई और एग करी, उसके साथ दिया गया है दही और एक बहुत ही खास अचार। बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। तो हम लोग का लंच हो चुका है और अभी ये देखिए, ये एरिया है बॉनफायर एरिया, कल रात को यहाँ पे हो रहा था। अभी अभिजीत जा रहा है ट्री हाउस पे, बी केयरफुल अभिजीत। ये देखिए ये ट्री हाउस है, कहना अलाउ ना, यहाँ पे बच्चा अलाउ नहीं है। कैसा है फीलिंग? तो अभी मैं देखिए एक ट्री हाउस में हूँ और इट्स वेरी नाइस प्लेस, दो सी पता नहीं बट नाइस प्लेस इट्स। और नोर्चे देख, नोर्चे, ए नोर्चे, नोर्चे ना, ए देख नोर्चे, गाचर ऊपर है ना, ये सावधान। বাবা পুরো এরম হিলছে, গাছটা তো খুব মোটা গাছ না। কেসা তো এক্সপিরিয়েন্স तो खाना खाने के बाद हम लोग रूम में गए, थोड़ा बहुत रेस्ट लिए, उसके बाद अभी हम लोग फिर से निकल चुके हैं प्लेग्राउंड को देखने के लिए। तो उस साइड में प्लेग्राउंड है, डोम रूम्स है, वो थोड़ा नीचे की तरफ है, इसलिए हम लोग बगी को बुलाए हैं। तो बगी हम लोग को अभी वहाँ पे लेके जा रहा है, वहाँ पे कुछ बैडमिंटन कोर्ट, फिर क्रिकेट कोर्ट, फुटबॉल सब कुछ है, साइकिलिंग, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर ये सीरीज़ और ये वीडियोस आप लोग को पसंद आ रही है और अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, सिर्फ देखने से चलता नहीं है, सब्सक्राइब करने से और भी ज़्यादा इच्छा और मोटिवेशन बढ़ती है। तो ऐसे ही सपोर्ट कीजिए माइंड बटर को और मैं और भी नए नए चीज़ें और नए नए एंटरटेनमेंट वाला वीडियो लेके आऊँगी आप लोग के साथ। तो देखते ही देखते देखिए हम लोग कैसे फर फर करके नीचे आ गए, और ये रहा हम लोग का कार उधर देख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और अभी हम लोग और भी नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पर वो डोम रूम्स और प्लेग्राउंड्स और वो सब है। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं रिसॉर्ट में, अगर ये रिसॉर्ट काफ़ी बड़ा है तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इवनिंग को इसके बाद जाएंगे हाईटी के लिए एज यूजुअल। उसके बाद आज शायद हम लोग जाएंगे ट्रैकिंग पे। तो यहाँ पे एक इन हाउस ट्रैकिंग भी है, मतलब रिसॉर्ट के अंदर ही पहाड़ में ट्रैकिंग है, तो वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए, ये वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है, आप लोगों को मैं शेयर करूंगी केव रूम भी कैसा दिखता है यहाँ पे। तो चलिए बने रहते हैं। ये देखिए डोम, फुटबॉल,
लोग कहाँ पे हैं? सब भर्ती है क्या? ये भर्ती है, ये हम लोग को भी बुकिंग नहीं मिला। ये थोड़ा देखना था कैसा है अंदर, भर्ती है कहाँ से और कहाँ बैडमिंटन किधर है? जोड़े मारो हाँ आज ना जोड़े मार छाड़ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे प्ले एरिया है, बहुत कुछ आउटडोर गेम्स है। तो आर्चरी में तो मेरी पोपट हो गई, पता नहीं क्या हुआ, वो आगे गया ही नहीं। और ये देखिए अभी हम लोग आए हैं फुटबॉल ग्राउंड पे, तो थोड़ा मस्ती करते हैं फिर यहाँ से जाएंगे बैडमिंटन कोर्ट। और आप लोगों ने देखा यहाँ पे हो गया है एक कांड, क्योंकि मेरी जो थंब है राइट हैंड की थंब में डायरेक्ट वो बॉल आके हिट किया और उसका जो बोन है वहाँ पे लग गया है। और बहुत ज़ोर से लगा था वो, मतलब मैं पता नहीं क्यों उधर खड़ी थी, वो बॉल डायरेक्टली हिट किया मुझे मेरे वो थंब पे और बहुत ज़ोरों से लगा मुझे, तो उसका अभी रिएक्शन चल रहा है। तो अभी थोड़ा बर्फ बर्फ डालते हैं, चलिए। तो इमीडिएटली रिसॉर्ट के लोगों ने इमीडिएटली बर्फ़ ला के दिया वहीं पे ग्राउंड पे, बर्फ़ के साथ पूरा एक बर्फ़ का डब्बा ला के दिया। और वही मैं थोड़ा सा हाथ को दे रही थी हाथ में, क्योंकि वो थंब जो है ना, थंब का जो वो हड्डी है उसमें लग गया है बहुत ज़ोर से। अभी एक आपने देखा वीडियो में कितना बड़ा हो गया, तो देखिए मेरा अंगुली फूल गया। तो अभिजीत बॉल कर रहा था, मैं बॉल कर रही थी, अभिजीत बैट कर रहा था और क्या हुआ, बॉल आके मेरा इस उंगली में लग गया ज़ोर से और काफ़ी पेन हो रहा है अभी हाथ में, मैं एकदम रो पड़ी इतना ज़ोर से लगा। तो यहाँ पे बहुत सारे साइकिल रखा हुआ है, आप चाहो तो पूरा ये
प्रॉपर्टी साइकिल में भी घूम सकते हो, एक साइकिल टूर दे सकते हो। वो अभिजीत अभी वही कर रहा है। तो पहाड़ों में साइकिल चलाने की अलग ही मज़ा है। तो वही चला रहे फुल ऑन अप्स एंड डाउन्स, और साइकिल को एकदम ब्रेक लगा लगा के पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है। तो उसी वहीं से वो आ रहा है। तो ये एक राउंड मार के वो अभी आ गया। ये एक्चुअली एंट्रेंस है वो डोम और ये पार्क और ये ग्राउंड के लिए। तो चलिए अभी जाते हैं बैडमिंटन कोर्ट पे। हाथ अभी थोड़ा सा बेटर है बर्फ देने के बाद, लेकिन लगता है ये दर्द थोड़ा दिन रहेगा। तो वहाँ पे प्लेग्राउंड पे हम लोग बहुत खेले, खेल के हाथ में भी लगा लिए, और उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं हाई टी पे। तो आज हाई टी हो रहा है वो पहाड़ के उस एरिया में। मैं पहले के व्लॉग में आप लोग को दिखाई थी, यहाँ पे एक्चुअली हाई टी होता है। कभी कभी बारिश होता है तो वो तब रेस्टोरेंट में देते हैं। यहाँ पे एक सुंदर सा व्यू है, और पीछे पूरा आपने देखा सुना लाउड म्यूज़िक चल रहा है, उधर सब कुछ अवेलेबल है। तो आज भी एक स्वीट है, कुछ केरला का फेमस कुछ स्वीट है, उसके साथ है कुछ पकोड़ा और वही नाश्ते में जो रहता है चाय के साथ बिस्किट वगैरह। तो हाईटी होने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं ट्रेकिंग पॉइंट पे। तो यहाँ से ट्रेकिंग स्टार्ट होगी। जैसे मैंने कहा था सुबह कि रिसॉर्ट के अंदर एक ट्रेकिंग का एक्सपीरियंस दिया जाएगा आप लोगों को। यहाँ के अंदर ही एक ऊपर में एक व्यू पॉइंट है और पहाड़ के ऊपर, फिर वहाँ से आपको फिर से नीचे लेके आया जाएगा। सो अनदर 30 मिनट्स का ये ट्रेकिंग होगा। तो चलिए, हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। मैं पूरा वीडियो नहीं दे सकी क्योंकि खुद को बैलेंस करना ही बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था इस रास्ते में। पैर फिसल रहा था क्योंकि बारिश की वजह से ना पूरा ये जिसको ग्रीन ग्रीन जो सीढ़ी पे हो जाती है ना चावला बोलते हैं, पत्थर के ऊपर पूरा बन चुका था। उसके लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। और तो चलिए फटाफट देखते हैं व्यू पॉइंट, एंजॉय करते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। और काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा था, और पूरा घना जंगल। और ये देखिए, देखते देखते हम लोग पहुंच गए थे पैराडाइज व्यू पॉइंट। और यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा है, और यहाँ से ये व्यू है। ये पहाड़ के थोड़ा सा ऊपर है, इससे भी ऊपर आप जा सकते हो। तो कैसा लगा ये केव रूम जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पे। अगर आप लोग ऐसे केव में रहे हो तो उसका भी एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। बहुत ही एक यूनिक चीज मैंने आज देखा, ये एकदम ओरिजिनल केव है, नो मैनमेड। और केव के अंदर इतना बढ़िया से जो रूम बनाया गया है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो ट्रेकिंग करने के बाद हम लोग रूम पे गए, थोड़ा बहुत रेस्ट लिए। उसके बाद अभी 8 बज रहा है रात के, और हम लोग आ गए हैं डिनर करने। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है डिनर के। आज अप्पम भी है, तो मैं आज अप्पम ट्राई करूँगी, मुझे वो बहुत पसंद है। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ये पूरा वेज एरिया है, उस तरफ है नॉन वेज, और
तो चलिए फटाफट खा लेते हैं। और साथ में आप सुन ही रहे होंगे अंकल, जो लास्ट डे मैं दिखाई थी आप लोगों को, अंकल गाना गा रहे हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल वॉइस है उनकी और बहुत ही खूबसूरत गाना, मेलोडियस सॉन्ग्स वो गा रहे हैं। तो चलिए दोनों को एक साथ एंजॉय करते हैं। तो हम लोग अभी डिनर कर चुके हैं और बोन फायर के लिए आ गए। क्या आराम लगते हैं वाटर। तो आज पूरा दिन हम लोग बहुत एंजॉय किए, काफ़ी अच्छा लगा वायनाड में। तो कल जाने की बारी है बैंगलोर फिर से। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, ओनली ऑन माइंड बटर। प्लीज़ डू वॉच, डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।